मेरा पिंड कामांवाली है, मैं सरपंच हाँ। मेरी मंग यही है, जो पत्ता मिलता सानू 1200 रुपया, इसकी कोई वैल्यू नहीं हैगी। 140 रुपया साढ़े नाल मैंबर भी आते हैं और पिंड के भी आते हैं, सानू चाह जो भी साढ़ा 400 रुपये खर्चा हो जाता है। 360 रुपये असं आपकी पॉकेट च भरी, असं कितों लियाई, असं कोई दिहाड़ी तो कर नहीं सकते। साड़ी तो मंग है जहाँ तो तनखा हो पूरी, तो नहीं तो बिल्कुल ही 1200 रुपये कट्टी दे। तो चौकीदार भी नहीं लेंदा अजक 1200 रुपया। इन्हें माहौल बना रखा सारी सरकार ने, कोई मर्जी आए सानू सरकार ने कोई मतलब नहीं, कि मर्जी आए साडा एक पत्ता पूरा होना चाहिए है। एक असं 40 रुपया नहीं लैना, 40 रुपये सानू दिहाड़ी पैंती है, साढ़े 400-100 का तेल बाल जाता, 300 रुपये असं चाह पानी की जात करे वेले होकर जावेगा, साड़ी तो यही मंग है बस। मेरा पिंड नवा ओजां वाली है जी। जिस तरह साढ़े प्रधान यूनियन के प्रधान बलजिंदर सिंह और खुशहाल सिंह जी ने तुहानू पहला विस्तार नाल दस्सिया ही है, साड़ी जिहड़ी यूनियन है ये सारी पार्टीबाजियों तो उठ के जिहड़ी असी एक सरपंच यूनियन तैयार की है, जिहदे विच साढ़े अज जिहड़ी मीटिंग दे विच 60 सरपंच हाजिर होए ने और सारिया ने जिहड़ा है आपदा समर्थन दिता है। साढ़े जिहड़े मेन मुद्दे ने नरेगा का जिहड़ा है, नरेगा साडा हुण जिहड़ा चल रहा है वो सिक्योर सिस्टम दे विच जिहड़ा नरेगा का बजट जिहड़ा पास होना है, एसटीमेट पास होने ने, उहदे विच साडियां जिहड़ियां नवीं पंचायतां बणियां ने करीब 13-14 पंचायतां सिक्योर सिस्टम दे विच ऑनलाइन ही नहीं शो हो रही, वो पंचायतां कित्थों काम कराउणगियां, और जिहड़ियां पहला पुरानियां चल रही ने पंचायतां उहदे विच वी जिहड़ा सिक्योर सिस्टम, साडे इत्थे जिहड़े टीए ने 2 अनट्रेंड ने, 1 ट्रेंड है और एक एक जेई दे कोल 40-40 पिंड हैगा है, वो कवर नहीं कर सकते। सानू इत्थे टीए दी जिहड़ी असामियां घट तो घट 3 होर चाहीदियां ने और साडा जिहड़ा सिक्योर सिस्टम सही चले और अफसरां नूं थल्ले हदायत की जाए, जिहड़े समिति दे जेई एसडीओ जिहड़ा साडे ओह बजट जल्दी प्रवा जिहड़े हैगे ने ओह पास करन, असीं आपदा जिहड़ा नरेगा दा काम असीं पिंड दे विच लोकां नूं जिहड़ा 100-100 दिन नहीं तो 40-50 दिन तां असीं हुण दे सकीए, 6 महीने दा वक्त 7 महीने दा लंघ चुक्या है, अगले समय च असीं कदों काम करवावांगे। इह साडियां जिहड़ियां सारियां जिहड़ियां ने इह टोटल साडे फाजिलका ब्लाक दीआं जिहड़ियां इह मंगां ने, हुण इह ते साडे सरपंच आउंदे ने, साडे कोल कोई दफ्तर नहीं हैगा बैठण नूं, असी खड़े हो के कदे किहड़े दफ्तर जाईदा कदे किहड़े दफ्तर, सानू एक दफ्तर प्रोवाइड किया जाए, साडे सरपंचा दे बैठण दा इंतजाम किया जाए और साडे सरपंचा दे होर मुद्दे ने, असी डीसी ऑफिस सिविल हॉस्पिटल असी आप दे काम नहीं पब्लिक दे काम वास्ते असी आउणे, असी पब्लिक दे सेवादार हाँ और सानू जिहड़ा हैगा उत्थे सानू आप दे व्हीकल खड़े करन दी भी परची कटाउणी पैंदी, सानू इह परची माफ़ होवे, सानू टोल टैक्स भी सानू माफ़ होना चाहीदा। इह साडियां जिहड़ियां मेन मंगां ने, इह मुद्दे ने और जिवें माण बत्ते दी साडे चेयरमैन साहब ने गल कीती है, बिल्कुल जी पिछले सरपंच काफ़ी ने मेरे नाल दे सज्जन जिहड़े 20-25 सरपंच, साढ़े 2.5-3 सालां दा जिहड़ा बकाया रहिंदा है वो पैसा लैप्स हो गया, सानू पैसा अजे तक नहीं मिलिया और जिहड़े नवें भी 7 महीने दा वक्त हो गया, सानू जिहड़े 7 महीने दी जिहड़ी पेमेंट अजे तक किसी दा अकाउंट नहीं मंगया गया, सानू माण बत्ता बिल्कुल नहीं हो रहा। और जिहड़े जे गल करिए सैकटरी विजिज की, इतने साढ़े को चेक जे साड़ी फंड दे विचों 30-33% कटाए जा रहे हैं, वो सैकटरियां नूं असीं तनखा दे रहे हैं, सानू अधिकार नहीं असीं आपदा माण बत्ता विचों कट लईए। असीं ये सरकार अगे पुरजोर मंग करते सी पिंड की डिवेलपमेंट करनी है, सही और जायज़ 15% साढ़े को सैकटरी विजिज कट्टिया जाए, ये 33% साढ़े को कट के साडे नाल बेइंसाफी की जा रही है। ये मेरी जिहड़ी है सरकार नूं और मानयोग डीसी साहब नूं पुरजोर मंग है साडी इन जिहड़ी मुश्किलां नूं विचारन और टोटली मैं सारे जिन्ने भी साडे दफ्तर ने साडा सरपंच जांदा है उहदा मान सत्कार किया जाए, साडे कई सरपंच ने साडे कोल इह शिकवा आंदा भी सानू जिहड़ा हैगा बैठण नूं जगह नहीं मिलदी, सानू थाने दरबारे असीं जिते जाइए साडे सरपंचां नूं मान सत्कार मिले, कुर्सी मिले और असीं जिहड़ा है असीं भी अगे मान सत्कार उहनां अफसरां नूं वध चढ़ के देवांगे। इन्नी कु मेरी गुजारिश जी। अज जी साडी यूनियन दी अज पहली मीटिंग सी, ते साडी पहली मीटिंग विच एजेंडा रख्या गया भी एक तो साढ़े जिहड़े पिछला भी माण बत्ता कुछ सरपंच रिपीट होए ने साढ़े, तो पिछला भी जिहड़ा माण बत्ता साढ़ा अजे तक सानू नहीं मिलिया, 3 साल का पिछला रहिंदा है, हुण भी सानू 7 महीने करीब हो गए ने बनिया नूं, ते हुण भी कोई साढ़ा खाता जां कुछ नहीं साढ़े कोल अजे लिया गया। उस तो बाद जो साढ़ा नरेगा है जी, नरेगा भी साढ़ा बहुत काम मुश्किल होया पिया, मेरे हिसाब नाल तां इस साल भी चलना मुश्किल है क्योंकि साढ़े जिहड़े हैगे ने अपने GRS भी बहुत घट ने, ते जिहड़े जई हैगे ने वो 3 जई ने, उन्हां विचों 1 ट्रेन है 2 अनट्रेन हैगे ने, ते उन्हां नूं भी पूरा काम जिहड़ा है ना कंप्यूटर दा वो आंदा नहीं, इस वजह नाल साडा काम है होर नहीं रहा, ते नरेगा दा साडा बहुत माड़ा हाल है, ते पिंडां 'च लोक सानूं काम पुछदे ने साढ़े कोल अगर हुण जवाब नहीं आउंदा, ते असीं चाहुंदे आ डीसी साहब मानयोग डीसी साहब कोलों भी तुसीं साडे जिहड़े जई है, एक तां सानूं जई साहब 1-2 होर दिओ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵਰਦਾਨ ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਬਾਧਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਕੂ ਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਗਣਕੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਕਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 60 ਸਰਪੰਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4, 5-5 ਚੱਕਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗਾਗਣਕੇ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੇਸੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣਿਆਂ ਦਰਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।